से जो मैंने बोला ना कि अपन कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इस पे मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा अपन है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दें और वो चीज शेयरेबल बना लें। मतलब मेरे लिए आजकल एक ही भूत है मुझे तो, ठीक है ना, कि भाई ये YouTube या LinkedIn तक कैसे जाएगा, ठीक है, या पेरिग्रीन की कम्युनिटी में कैसे जाएगा, स्टोर फ्रंट की कम्युनिटी में कैसे जाएगा, स्लिंक की कम्युनिटी में कैसे जाएगा, जैक रैबिट की कम्युनिटी में कैसे जाएगा, समझ बिल्कुल गए। बिल्कुल तो इम्पोर्टेंट ये कि जो भी तुम सौरभ को बताओगे वो अपनी इच्छा ये है कि वो सौरभ कोई भी हो सकता है बिल्कुल ना। तो जो मैं बता रहा हूं उस कंटेंट का जो कंप्लीटनेस है, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से मुझे बिल्ड करना है ताकि है ना जिसको भी मैं बता रहा हूं, मतलब जो भी सुन रहा, जो भी उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है उसके मन में सवाल कम आए और उसको मालूम चल जाए कि एक्चुअली करना क्या है ना। बढ़िया, तो है ना अपन यहां से शुरू करते हैं कि यार एक्चुअली अपने पास में चैलेंज क्या है। अपन मतलब ओरिजिनली करने क्या निकले थे, अपन वहीं से शुरू हो जाते हैं ताकि है ना हम इस रिकॉर्डिंग से पूरी की पूरी चीजें कैप्चर करते चलें, बिल्कुल सर ऐसा है ना। तो अपना से सबसे मेन रिक्वायरमेंट ये थी कि अपने पास कंटेंट था जो अपन अपने जो जैक रैबिट में अपना कंटेंट रहता था। तो रिक्वायरमेंट इसलिए अपने को लोकलाइज करना था, तो जो कंटेंट यूजर ने बनाया है वो उसका लोकलाइज वर्जन भी बना पाए और जब बना पाएगा मतलब गेट भी कर पाए बाद में। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट थी, अपने को अपने साइट को मल्टी लोकल के लिए सपोर्ट करना था। तो ये मतलब एक ऑनलाइन रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए अपन चालू हुए थे। और अपने हाँ तो पास अपन बोलो बोलो। हेडलेस सीएमएस है, तो जो अल्टीमेटली अपना कंटेंट जो है वो रखा जाता है और सीएमएस सिर्फ आपको डेटा रिटर्न करता है। तो सीएमएस में आप सिर्फ कंटेंट बनाते हो और एक थर्ड सिस्टम है जो उसको कंज्यूम करता है। थर्ड सिस्टम अपने जैसे व्यू स्टोर फ्रंट है जो डेटा मांगेगा और अपन उसको बेस्ड ऑन लोकल अपन उसको डेटा दे देंगे हर पेज में। सबसे इसमें मेरा एक एक चीज था कि अपन जस्ट जो पिछला कॉल जैसे मैंने अटेंड नहीं किया, बट अपन ने जो डिस्कस किया था कि जो स्लिंग ही खुद रिसोर्स बंडल वो देता है इंटरनेशनलाइजेशन गेट करने के लिए, अपन उसी के कंटिन्यूटी में बात कर रहे हैं, राइट। अपन ने जो बिल्कुल एक्सपीरियंस वाला अचीव किया है अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे, वो अपना एक एड ऑन फीचर है। बट अभी बिल्कुल अपन जो बात कर रहे हैं, जो अपन ने पिछली बार डिस्कस किया था कि जो स्लिंग की IATN इंटरनेशनलाइजेशन सपोर्ट है उसको यूज करते हुए अपने को मूव ऑन हो रहे हैं, तो अपन ये उसी कर रहे हैं, बिल्कुल यस है ना। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे जो डिजिटल कॉमर्स के अंदर क्लाइंट्स रहेंगे उनको जो CMS रिक्वायरमेंट है बहुत ही क्लियर है कि हम मल्टी करेंसी, मल्टी कंट्री और मल्टी लोकलाइजेशन सपोर्ट करते हैं, है ना। मतलब है कि मेरे कंपनी जो डिजिटल कॉमर्स में सर्टेन स्टैटिक पेज हैं जिनका कंटेंट मेरे को एक CMS में स्टोर करना पड़ता है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, विच इज प्रोडक्ट कंटेंट। प्रोडक्ट कंटेंट इज मैनेज्ड इन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, सही है। तो मेरा जो प्रोडक्ट के अलावा जो एक्चुअली ई कॉमर्स साइट पे जैसे अबाउट अस पेज है, पॉलिसीज पेज है, मेरी स्टोरीज हो सकती हैं और स्टोरी टाइप की कुछ कुछ भी इस टाइप का कंटेंट जो होता है इसको मुझे स्टोर करना, इंक्लूडिंग है ना मेरे प्रमोशंस का लैंडिंग पेज हो सकता है ना। तो कभी कभी विजुअल मर्चेंडाइजिंग हो सकता है। तो इस टाइप के जो पेजेस हैं जो जहां पे यूजर एडिटिंग वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट कर रहा है या वेबसाइट के अंदर या कोई भी प्रकार का डिजिटल चैनल के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है उस कंटेंट को मैं लोकलाइज करता हूँ, बिल्कुल इस आइडिया की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो यहाँ हमने बोला कि भाई हमारा कंटेंट जो है वो तो स्टोर्ड है मेरे अपाची स्लिंग API के थ्रू, जो मैं जैक रैबिट का डेटाबेस जो कंटेंट रिपोजिटरी यूज करता हूँ उसमें स्टोर्ड बिल्कुल है ना। तो अब हमारे पास जो एक्सप्लोरेशन हमें करना था, जिसको हम चाह रहे थे कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं उसके पीछे की हम पूरी सिस्टम कैपेबिलिटी समझ लें, तो उसमें अपन ने ये देख लिया कि जैक रैबिट के अंदर में किसी भी कंटेंट को अल्टरनेटिव उसकी जो लोकल लोकल स्पेसिफिक जो लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज में उस कंटेंट को मैं सेव कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ और फिर मैं उसको रीड कर सकता हूँ, है ना। जैक रैबिट जो है वो देता है और फिर उसके ऊपर स्लिंग, अपाची स्लिंग बिल्ड करता है, API लेयर बिल्ड करता है और उन API लेयर्स में हमने फिगर आउट करा, हमने अपाची स्लिंग की कम्युनिटी से ही बात करी और दीपक ने भी कुछ अपने को सजेस्ट किया था, फिर उस पर जाकर तुमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली अपनों को मालूम है कि अपाची स्लिंग को यूज करके मैं किस प्रकार से
लोकलाइज्ड कंटेंट का इन एंड आउट करूंगा, बिल्कुल है ना, ये अपन ने फिगर आउट कर लिया है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट वी आर सेइंग इज कि एक आइडिया मेरे पास में ये है कि भाई है ना पेरिग्रेन सीएमएस जो है हम यूज कर रहे हैं विच इज ए यूजर एक्सपीरियंस फॉर मैनेजिंग कंटेंट दैट इज स्टोर्ड इन जैकरैपिट रिपोजिटरी एंड इज अवेलेबल थ्रू अपाची स्लिंग एपीआईज, है ना। तो पेरिग्रेन सीएमएस जो मेरा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो यूआई टूल है, वो अभी सिंगल लैंग्वेज के हिसाब से बना हुआ है, वो लोकलाइजेशन खुद अपने आप में हमारे लिए, हमारे जो नीड है उसके हिसाब से वो लोकलाइजेशन के फीचर्स अवेलेबल नहीं कराता है ना। तो अब अपन ये फिगर आउट कर रहे हैं कि भाई हम किस तरीके से अपाची सॉरी हम कैसे हम पेरिग्रीन में क्या करना पड़ेगा, कुछ करना भी पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। फाइनली हम कंटेंट पहुंचाना चाहते हैं रिपोजिटरी में और कंटेंट रिपोजिटरी से लेना चाहते हैं, है ना। तो ये अपनी कॉन्टेक्स्ट है, पूरा जो बेस है हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट जिस पे हम काम कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर है ना हमारा एक सवाल ये है मेरा कि जो मेरा ई कॉम वेबसाइट या कोई भी कंटेंट कंज्यूम करने की ऐप जो होगी उसको जब है ना उसको जब कंटेंट चाहिए तो वो एक एपीआई कॉल करेगा, तो वो एपीआई का जो कोड है जो सर्वर साइड पे एंड पॉइंट लिखा गया है, तो तुम मुझे बताओ कि क्या वो अपाची स्लिंग के नेटिव कंटेनर में लिखा हुआ है या अपाची स्लिंग के ऊपर पैरेग्रीन की जो लेयर चढ़ी हुई है उस पे लिखा हुआ है। वो पैरेग्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, वो जो एंड पॉइंट है उसके अंदर से स्लिंग आपको देता है कि आप रिसोर्स को गेट कर सकते हो, मतलब स्लिंग बोलता है कि मैं जैकरैबिट से बात करके आपको डेटा दे दूंगा, लेकिन वो जो एपीआई का रैपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पैरेग्रीन के अंदर, पैरेग्रीन में लिखा है। तो फिर अगला तो फिर मेरा अगला सवाल ये आता है कि जो मैं पेरेग्रीन को बोलता हूँ कि यार मेरा ये कंटेंट है जो मुझे चाहिए, और क्योंकि एचटीटीपी प्रोटोकॉल खुद उसके हेडर में मेरे पास में लोकेल का एक एट्रीब्यूट जा रहा है, वो एट्रीब्यूट मेरा पेरेग्रीन में मिलता है, तो अब सवाल ये है कि उस एट्रीब्यूट को क्या मैं पेरेग्रीन से एज इज आगे पास ऑन कर देता हूँ क्या स्लिंग को, और बोलता हूँ स्लिंग मेरे को तो ये कंटेंट दे दे और ये मेरा लोकेल है। सर इसमें मैं जस्ट एक शॉर्ट बता देता हूँ कि स्लिंग ने एक अपना HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रेफर बना के रखा है, और वो HTTP रिक्वेस्ट को स्लिंग के हिसाब से कन्वर्ट करता है और फिर उससे पूरा स्लिंग यूज करता है, और पेरेग्रीन CMS ने भी उसी HTTP रिक्वेस्ट रेफर का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उसको यूज करते हुए जो डेटा लाना है वो लाते हैं। तो अपने को बीच में लोकेल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ नहीं लिखना पड़ा है, वो उसी की जो इंटरनल सर्वलेट रिक्वेस्ट रेफर है स्लिंग का वो ही खुद मैनेज करता है सारी चीजों को, और पेरेग्रीन भी उसी को डेलीगेट कर देता, तुम बोल रहे हो भाई साहब, और पेरेग्रीन ने उसी को इंप्लीमेंट किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है जो रेपर को, तो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली स्लिंग सर्वर रिक्वेस्ट रेपर में ही कन्वर्ट होती है और वो ही इसमें यूज होती है। और जैसे अपने OFBs में UI लेबल रिसोर्स बंडल करके क्लास है, ऐसे ही स्लिंग ने इंटरनेशनलाइजेशन के लिए रिसोर्स बंडल करके क्लास दी है, आप डॉट गेट करते हो और उसमें रिक्वेस्ट को पास करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको उस बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट उस लोकेल का बंडल आपको दे देता है, फिर आप बंडल डॉट गेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो अपने यूआई लेबल मैप डॉट गेट जैसे चलता है वैसा चलता है। हाँ, और ये जो तुम बोल रहे हो पूरा कोड ये अपाची स्लिंग साइड पे लिखना रहता है, अपने को कुछ नहीं करना है इसमें, राइट? अपने को सर सिर्फ अभी पेरेग्रीन सीएमएस में जो इन्होंने रेपर लिखा है ना इस पे इन्होंने वहां से जो डेटा आता था उसको एज इट इज अपने इसमें जो भी मैनिपुलेशन करके आउट करना है वो कर देते थे, तो अपने को ये जो रिसोर्स बंडल का ऑब्जेक्ट गेट करना है और इससे की को गेट करना है ये वाला कोड पेरेग्रीन में लिखना है, बाकी अपार्ट फ्रॉम सारी चीजें स्लिंग करता है। मतलब आपने को FTL में UI लेबल मैप डॉट गेट लिखना कहाँ है ये अपने को बताना है, लेकिन UI लेबल मैप में जाएगा कैसे, वो प्रोसेस कैसे होगा, वो चेंज कैसे होगा, ये पूरा काम जो है वो सर्वर को टेक केयर करता है स्लिंग, अपने को सिर्फ डॉट गेट करके लिखना कहाँ है ये अपने को बताना है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। तो ये एक्चुअली अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने ना एक्चुअली जो अपन काम चालू किया था तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो अभी तुमने बोला ना कि मेरे को रिसोना मैप की यूज करके लोकलाइज कंटेंट रैपर से रिसोर्स बंडल से निकालना रहता है, शुरुआत में मैं ये बोला था कि ये काम भी अपाची स्लिंग में जब गेट करूंगा ना और बोलूंगा मुझे ये कंटेंट दे दो और ये मेरा लोकल है, तो स्लिंग में ही ये कोड लिखा होगा जो मुझे ऑलरेडी लोकलाइज करके देगा, पर अपन ने फाइनली ये फिगर आउट किया कि यार वो एक्चुअली वहां पर नहीं है, वो ये बोलता है कि मैं तुम्हारा ओरिजिनल कंटेंट
और साथ में रिसोर्स बंडल दोनों दे रहा हूँ, अब तुमको जो करना कर लो निकाल के और अब लोकलाइज करके ले जाओ। तो ये एडिशनल वर्कर या अपन ये कह लो कि अपने को एक वर्कर क्लास टाइप की चीजें लिखनी पड़ी जिस कोड को हम बोल रहे हैं कि हमने पेरेग्रीन में लिखा है, बट एक्चुअली पेरेग्रीन में जो अपन ने कोड लिखा है वो चलता सेम कंटेनर में है जिसमें स्लिंग चल रहा है, तो रियल में इट्स काइंड ऑफ लाइक राइटिंग अनदर रैपर विद इन स्लिंग। और सर इसमें एक और एड ऑन चीज है कि स्लिंग में वो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ था जहाँ पे जो ये स्वप्निल ने बताया कि रैपर लिखी है, अपन ने उसमें बस ये एक लाइन एड ऑन करी है सर्टेन चीजें कि भाई आप रिसोर्स बंडल गेट करके मुझे जो की आ रही है उसके बंडल से वैल्यू देते। ये सर स्लिंग में लिखा हुआ था, पैरेग्रीन में लिखा हुआ है ऑलरेडी, पैरेग्रीन में लिखा हुआ है। इसमें बस अपन ने जो मेथड यूज हो रही थी उसमें अपन ने बीच में जहां से अपन की वैल्यू को गेट कर रहे हैं जो जहां पे एक्सपीरियंस वाला कोड लिखा वैसे ही ये वाला कोड लिख के अपनी जो की और कीज आ रही है जिनको अपने को लोकलाइज फॉर्मेट में रिटर्न करना है उनको लोकलाइज फॉर्मेट में डायरेक्ट ना रखते हुए बंडल से गेट करके रख दिया है ऐसा। हाँ समझ गया। तो अभी हाँ तो ठीक है बढ़िया, तो अपन ये बोलेंगे वो पेरेग्रीन अभी भी जैसे डेटा निकाल रहा था वो निकाल रहा है, वहां पे उन लोगों ने खाली उसके जो कंटेंट आ रहा था उसको एज इज पास कर रहा था इंस्टेड ऑफ कि उधर पे वो बोले क्या भाई मांगने वाले ने लोकल क्या रिसोर्स बंडल और उसमें से निकाल के मैं तेरे को लोकलाइज करके, तो जो अदरवाइज अपन फ्री मार्केट में जैसे तुमने बताया देखते हैं अगर फ्री मार्केट वाला डेवलपर भी मेरा अगर ऑफिस में ना वो लोकलाइज को एंटरटेन करना भूल जाएगा तो मेरे यहाँ भी उल्टा अंग्रेजी में जाने लग जाएगा, डिफॉल्ट लैंग्वेज में बिल्कुल है ना। तो एक काइंड ऑफ ऐसा कह सकते हैं कि पेरेग्रीन वालों ने भी सोचा ही नहीं कि हमारे यहाँ कभी कोई इंटरनेशनलाइजेशन करेगा, तो उन्होंने ये दो लाइनें नहीं लिखी थी जिनको अपन बोल रहे हैं कि अपन लिख देंगे जिसके बाद में पेरेग्रीन नेटिवली लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करने लगेगा। यस सर। और हाँ और इसमें एक और बताता हूँ कि सर जो ये इंटरनेशनलाइजेशन स्लिंग साइड में काम ऐसा करता है कि स्लिंग ने बोल के रखा है कि उन्होंने सर्टेन दो तीन स्ट्रक्चर देख के रखे हैं उनके जेसीआर के, एक लिब फोल्डर में, एक आप जो ऐप बना रहे हो उसमें, और एक स्लिंग की माई एप्स करके सर्टेन ऐसी रहती है। तो ऐसे तीन जगह है जहाँ पे वो बोलता है कि आप इस तीन जगहों पे IAT एक उनका स्ट्रक्चर है, IAT नाम से फोल्डर बनाओ, उसके अंदर आप जो भी उसकी मैसेज एंट्री और उसकी की वैल्यू रख दो, उसको मैसेज एंट्री नाम से बोलते हैं, और ऊपर लोकेल बता देते हैं कि किस लोकेल की वो मैसेज एंट्री है, इस नाम से रख दोगे तो जब लोकेल अपना स्टार्ट होगा तो इन जगहों से चेक कर लेगा और सीक्वेंस पहले ही रहेगा कि सबसे पहले वो लिब को उठाएगा, फिर उसके बाद में एप्स को उठाएगा, फिर आपके कस्टम एप्स को उठाएगा, ताकि वो कस्टमाइजेशन सपोर्ट के लिए यदि आपने कोई लिब में लोकल के बेस्ड ऑन एंट्री बना के रखी है और उसको कस्टम में ओवरराइड किया है तो ओवरराइडेड वाली ही आपको रिटर्न हो। तो इसी तरीके से लोड करता है और फिर जो भी रिसेंट कंटेंट होता है जो अपन जैसा UI लेवल में भी होता है कि आपने सेम UI लेवल दो अलग अलग जगह पे बनाया तो जो सबसे मोस्ट रिसेंट लोड हुआ होगा वो पिछले वाले को ओवरराइड कर देगा, तो ये भी वैसे ही काम करता है। तो इस तरीके से अपन ने ना बहुत ही नेटिव तरीके से उसका लोकलाइजेशन का काम अचीव कर लिया है ना। राइट सर। अब है ना हमारा तो अपन ने यहां तक में एक पीस खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं कि यार हाउ आर वी गोइंग, हमारा जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था कि यार लोकलाइज कैसे करेंगे, तो उसका जो चैलेंज था इसको अपन क्लियरली है ना अब मैप कर पा रहे हैं, वो जो लोकलाइजेशन का डॉक्यूमेंट अपने को है ना कॉन्फ्लुएंस इनके Apache Sling के वेबसाइट पे मिलता है जिसमें उन्होंने JSP का एग्जांपल दिया हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है आप लोग API में कैसे करेंगे, बट काइंड ऑफ मेरी पेरेग्रीन में जो कोड लिखा हुआ है वो एक तरीके का JSP कोड है या फ्री मार्कर कोड ही है वो, और उसके अंदर मैं सिमिलरली ही कोड लिखता हूँ ताकि है ना मैं कस्टमर मेरे यूजर को मैं वही दूँ जो उसको जिस लैंग्वेज में चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर मेरे हिसाब से कि है ना स्लिंग वालों ने बता रखा था, बस ओनली थिंग इज उन्होंने API की JSON फॉर्मेट में कोई आउटपुट का मतलब एक में अगर जावा में कोड लिखता हूँ या JSP में कोड लिखता हूँ या फ्री मार्कर में कोड लिखता हूँ जो JSON आउटपुट पहुंचा रहा है यूजर को इंस्टेड ऑफ HTML आउटपुट के, वैसा एग्जांपल नहीं था वो, एक्चुअली है ना HTML आउटपुट पहुंचाने वाला टाइप का एग्जांपल था, इसलिए हमें kind of था कि अरे यार इनके पास में JSON वाले में सपोर्ट नहीं है, बट रियलिटी ये नहीं है, रियलिटी ये है कि है ना वो सेम चीज अप्लाई करती है JSON के लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे एक आउटपुट स्ट्रीम में लिखना है और उसमें जाके मुझे लोकलाइज कंटेंट निकाल के डालना है। हाँ दीपक क्या बताना चाह रहे हैं? ये वाला वही पेज है जो बताता है कि इंटरनेशनलाइजेशन सपोर्ट I18 वाला जो है इस पे इन्होंने यही बताया कि ये गेट लोकेल्स मेथड है, ये गेट रिसोर्स बंडल है जिसमें आप सर्टेन लोकेल पास करते हो तो उसका पूरा बंडल दे देता है, और यहाँ पे भी वही है कि क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे आप जो लोकेल करते हो उनकी अलग अलग जो मेथड्स है
और डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्होंने ये देख रखा है कि आप गेट रिसोर्स बंडल करो लोकल क्लास के अकॉर्डिंग, और उस बंडल में गेट की में आपको सारी कीज मिल जाएंगी जो कि आपने इंटरनेशनलाइजेशन की इसमें रखी हुई है। यदि आप नहीं बोलते हो तो जो इंग्लिश टेक्स्ट आप भेजते हो यदि कुछ उसका इंटरनेशनलाइजेशन नहीं मिलता है तो उसको एज इट इज वापस कर देता है, जैसा यूआई लेवल मैप पे भी होता है ना। और ये उसका पैटर्न है कि जैसे लिप के अंदर लैंग्वेजेस में ये बोलता है कि इंग्लिश इसका लोकल जो है लैंग्वेज इंग्लिश है और उसकी ये एंट्रीज रखी है, ऐसी ये डच की रखी है और ये माय है, और ऐसे ही है कि आप लिप के अंदर लैंग्वेजेस में रखते हो ये जेसन फॉर्मेट की, जैसे ये इंग्लिश डॉट जेसन आपने रखी फाइल तो इसका बता दिया कि जेसीआर लैंग्वेज टाइप ईएन है और उसका जो डेटा है जो भी अपन की वैल्यू पेयर में रखते हैं मैसेज वाला, तो ये इस तरीके से पूरा रखता है। और आपको जब आप गेट करते हो ये आप इन्होंने बताया सर ये कि ये एप्स के अंदर है लिप्स के अंदर है और फिर सबसे पहले इन दो में देखता है, इन दो के देखने के अलावा बाकी जो अदर पार्ट है वहां पे फिर लोकल फाइल को लेके वो इंपोर्ट सॉरी जो अपना बंडल प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर करता है। बढ़िया, तो अपन ने इसी यही यूटिलिटी है जो इन्होंने दिया हुआ है इसी को यूज किया है, और इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट था उसमें से अपन ने ये जो रिसोर्स बंडल वाला पैटर्न है इसको यूज किया है जो कि स्लिंग ऑलरेडी पेरेग्रीन सीएमएस में ऑलरेडी अपन ने कोड लिखा हुआ था वहां पे, इसको यूज करके अपन ने उसको अचीव किया है लोकलाइजेशन को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गुडिया है ना, मतलब काफी एक्साइटिंग है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही लीन और मीन तरीका था जिससे अपन ने इंटरनेशनलाइजेशन का वर्किंग सिस्टम बना के खड़ा कर लिया है ना। और अपन यही चाह रहे थे, मतलब अपने को लगा ही था कि क्लियरली कि जब हम है ना बहुत ही नेटिव सिस्टम कैपेबिलिटीज यूज करते हुए जैसे कि I18 का जो स्लिम में ही नेटिव कैपेबिलिटीज बिल्ट इन है उनको जब इफेक्टिवली यूज करेंगे तब हमारे पास जो सिस्टम बनेगा उसमें फ्रिक्शन मिनिमम होगा ताकि ना हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्केल करे, है ना। अब ये जो सिस्टम है अपन मान के अपन को मानना है कि यार ये स्केल करेगा, राइट सर, है ना, इस तरीके से। बढ़िया, तो ये एक ना गुड अपने पास में एक पॉइंट आ गया जहां पे अपन ये समझ गए पूरा कि यार हम करने क्या वाले हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें बेस्ट प्रैक्टिस फिगर आउट करनी कि हम हमारा कंटेंट किस जगह पे रखेंगे, जो अभी दीपक दिखा रहा था कि उसमें तीन ऑप्शन है रखने का, तो मुझे अपना कंटेंट कहाँ पर रखना है इस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ अब। सर इसमें ऐसा है कि जैसे इन्होंने को लिब बताया है, लैंग्वेजेस बताया है और एप्स बताया है, तो जो मेरा प्रेडिक्शन है मतलब स्वप्निल बताएगा उन्होंने POC यदि कर लिया होगा तो कि आपने जो कस्टम एप बना रहे हो उसी में आप एक सर्टेन स्ट्रक्चर में रखोगे तो जब स्लिंग में वो आपकी थीम लोड करता है तो ऑटोमेटिकली वो एप्स के अंदर लोड करता है कंटेंट में, और वहां पे आप यदि रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेसिबल होगा। तो अपने को स्लिंग में एक्सप्लिसिटली कहीं रखने की जरूरत नहीं है, वो अपन अपना जो थीम क्लीन फ्लेक्स का स्ट्रक्चर है उसी में एक सर्टेन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना के रख देंगे तो अपना काम हो जाना चाहिए। क्या बोलते हो स्वप्निल तुम इस बारे में? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बोल रहे दीपक सर, अपन का अपने इसमें भी रख सकते हैं उसको। बस जो चीज है ना जिसको मैं सोचता था कि उसके अराउंड क्या करूंगा, जैसे अपने पास क्या थीम क्लीन फ्लेक्स एक अपनी टेम्पलेट है उससे मेरी नॉट नेकेड एक वेबसाइट बनती है, ये अल्टीमेटली दोनों नोड ही। तो अब मैं पहली बार जब मेरी टेम्पलेट बनी है तो डेफिनेटली वो तो जो लोकलाइजेशन का कंटेंट है वो थीम क्लीन फ्लेक्स के अंदर ही जाएगा। उसके बाद जब वेबसाइट बन जाती है तो अल्टीमेटली वो यूजर ने एक वेबसाइट बनाई है, अब वो उसको एडिट करेगा, तो उसका लोकलाइज कंटेंट टेम्पलेट में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अपन टेम्पलेट को इस तरीके से यूज करते हैं कि जब मेरे फॉर एग्जाम्पल मैंने नया कंपोनेंट एड किया तो फिर मैं टेम्पलेट को फिर से डिप्लॉय करता हूँ, और स्लिंग क्या करता है कि जैसे आप एक को फिर से डिप्लॉय करते हैं पूरा कंटेंट डिलीट कर देता है और नया फ्रेश टेम्पलेट को डिप्लॉय करता है। उससे होता है सर यूजर ने जो नया कंटेंट बनाया है अगर आप उसमें डालोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपन करेंगे करना ऐसा चाहिए जो मुझे थ्योरेटिकली लग रहा है कि काम करेगा कि इनिशियली आप टेम्पलेट में डालोगे अपने इसके अंदर, फिर जब साइट मिलेगी तो अपने आप को साइट में कॉपी हो जाना चाहिए, और फिर जितना भी नया कंटेंट आएगा वो साइट के करस्पॉन्डिंग इसके अंदर जाना चाहिए, और अपन हमेशा साइट का बैकअप लेते रहते हैं और ये चलना चाहिए उसमें। और ये चलना चाहिए, गुड गुड वेरी गुड। तो है ना अब अपने पास में मुझे एक सवाल है जो अपने पास में टास्क है वो तुमने जो अभी बोला ना कि है ना मेरा जो टेम्पलेट रिलेटेड चीजें हैं वो तो मेरी थीम फ्लेक्स में जाती हैं, बिल्कुल, है ना, लेकिन मेरा जो एक्चुअल कंटेंट है वो मेरे वेबसाइट जो उस टेम्पलेट के नीचे जो वेबसाइट बनी है उसमें जाएगा, राइट, ऐसा तुम बोल रहे हो ना। तो मुझे इसलिए उस कंटेंट को मेरे वेबसाइट में रखना है इंस्टेड ऑफ थीम फ्लेक्स में, जो मेरा थीम है उसमें ना टेम्पलेट है उसमें,
ठीक है, ये वाले पीस में मुझे अभी भी ना हल्का सा थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है या क्लैरिटी की कमी लग रही है, और मैं अभी नहीं ही इसको एड्रेस करना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम ना थोड़ा और इसमें वर्क करो और थोड़ी और क्लैरिटी लाओ, बिल्कुल मतलब कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, है बिल्कुल ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में अब सवाल ही आ रहा है कि यार जो मेरा थीम फ्लेक्स जो मेरा टेम्प जो वो टेम्पलेट है वहां पे ना, तुमने मुझे बताया था कि यार जो मेरा विजीवीक एडिटर आपका जो दिखता है पेरेग्रीन में वो उसको ड्राइव करता है वो, राइट। जो तुमने बताया कि जो थीम फ्लेक्स जो थीम है वो मेरे को जो जब मैं पेरेग्रीन खोल के और कोई एक होम पेज को एडिट करने के लिए खोलता हूँ तो वो जो मुझे दिख रहा है वहां पर जो इस तरफ एडिटर मुझे जो विजीविक स्टाइल में दिख रहा होता है ना, होम पेज स्लाइडर दिख रहा होता है, टाइटल दिख रहा होता है, उस चीज के पीछे का जो थीम है उसके पीछे की जो मार्कअप राइट है वो है वो थीम फ्लेक्स जो तुम बोल रहे हो, राइट। वो जो पूरा पेज है ना वो पूरा का पूरा थीम प्लेन है, और फिर जब आप उससे साइड बना लेते हो तो पूरी की पूरी साइड वैसी कॉपी हो जाती है, और फिर आप विजिविक में जाके अपनी साइड को एडिट करते हो आपके टेम्पलेट को हाँ एडिट। हाँ तो जब मैं साइट को एडिट कर, हाँ तो तुम कह रहे हो कि जब मैं किसी भी क्लाइंट के लिए डिप्लॉय करता हूँ या किसी को भी बोलता हूँ तो वो ये बोलता हूँ कि यार देखा ये थीम फ्लेक्स जो मेरा साइट है ना, अब तेरे को है ना क्या करना, तेरी साइट बनानी है ना, तो इस पे बटन क्लिक कर तेरी एक साइट बन जाएगी, साइट राइट बन जाएगी। अब उस साइट में जाके तो तेरे जो भी यूआई चेंजेस लेआउट करने चेंज हैं। करना है या कंटेंट चेंज करना है जो भी करना तो वहां करेगा। ये थीम फ्लेक्स तो एक मॉड वो है, खाली टेम्पलेट मेरा है सर, हाँ टेम्पलेट है जो नहीं बेस है बस। तो इसमें तो अपन एक स्टेप पीछे जाते हैं, अपन उसको बताते ही नहीं कि टेम्पलेट जैसी कोई चीज है, अपन तो एक साइड हाँ बना के उसको दे देते हैं, उसको बोलते हैं इसको एडिट हाँ कर हाँ बस ठीक अपने है ना। लिए। हाँ तो अब तुम ये बोल रहे हो कि मैं उस वेबसाइट जो है उसको एक ऐप जैसा, जो अभी थोड़ी देर पहले दीपक यस बोला था कि जो ऐप है वो मेरी वो वेबसाइट है, नॉट नेकेड वेबसाइट बनाई है वो एक ऐप है, और जो राइट तुम बोल रहे हो कि लोकलाइज कंटेंट ऐप लेवल पे स्टोर होगा वो उस वेबसाइट लेवल पे स्टोर होगा, ऐसा कह रहे हैं क्या अपन, यस सर राइट है ना। और तुम बोल रहे हो कि यार वो है ना इसलिए ना जब मैं रीडिप्लॉय करूंगा ना तो उस समय वो मैं बैकअप भी लेता हूँ और रिस्टोर उसमें है ना उसकी हिस्ट्री नहीं जाती है, फिर जो भी है वो डेटा रीसेट नहीं हो जाता है ऑल ऑफ सडन, राइट। राइट सर। ठीक है और बढ़िया। सर हाँ हाँ सर आप पहले कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। इसका मतलब ये भी है कि जो मेरा जो जो टेम्पलेट है ना जिससे मैंने ये नॉट नेकेड वेबसाइट बनाई थी उस टेम्पलेट में अब कुछ भी चेंज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली वहां नहीं पहुंच जाएगा, नहीं 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 राइट सर, जाता नहीं है ना, जाता। क्योंकि ये तो ऐसा है कि आपका बेस था, आपको जैसे अपन गूगल डॉक में भी कोई चालू करते हैं प्रेजेंटेशन बनने वाला, गूगल स्लाइड में या पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ तो मुझे बहुत सारे टेम्पलेट्स देता है, राइट उसमें से सर, किसी को एक को लेके मैं बनाता हूँ और फिर जाके कुछ भी करूँ उसके अंदर, उससे कोई मेरा वो जो रिपोजिटरी बेस का मेन टेम्पलेट टेम्पलेट है। वो नहीं बदल जाता है राइट राइट सर, ना। उसी प्रकार से तुम बोल रहे हो कि भैया थीम प्लेस जो है वो तो मैं 15 थीम बना के तुमको बना बनाया थीम्स देता हूँ ताकि तुमको शुरू से शुरू नहीं करना पड़े, इंस्टेड एक सर्टेन पॉइंट्स आप चालू करो, है ना। इसलिए पर एक बार तुमने नॉट नेकेट बना लिया अब उसके अंदर तुमको जो है ना मॉडिफाई करना है मॉडिफाई करो, एक बार उसको मॉडिफाई करके सेव करते चले जाओ, अब ये तुम्हारी जर्नी पे चलेगा, अपनी ब्रांच है ना उस भी जर्नी पे चलेगा हो तुम, राइट है सर। ना। और इसमें ना अपन ने एक चीज जो है डॉक्यूमेंट कर ली, वो ये कर ली कि अब कल को क्लाइंट ने बोला कि यार मुझे ना एक अलग नए टाइप का स्लाइडर चाहिए जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करता था दुनिया में फॉर एग्जांपल, तो फिर अपन ने वो अपनी टेम्पलेट में डाल दिया, और फिर टेम्पलेट में इसलिए डाला था कि बाकी सबको भी अवेलेबल हो जाए, और फिर टेम्पलेट से साइट पे ले जाने का एक वर्कफ्लो अपन ने डिफाइन कर लिया है, वो 3-4 फाइलों में एंट्री करनी रहती है, क्योंकि जो पेरेग्रीन इंटरनली करता है जब पहली बार साइट बनती है तो वो अपने को मालूम है कि ये 2 फाइलों में इन कंपोनेंट को लेता है, तो ये अपन ने प्रोसेस फिगर आउट कर लिया और उसको डॉक्यूमेंट कर लिया है। बहुत तो बढ़िया। तो कहना तुमने बोल दिया कि अगर मुझे मैंने कोई नई नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है मेरे टेम्पलेट में उस फीचर को मुझे किसी भी ब्रांच वाले को देना है तो उसका मेरे पास एक प्रोसेस है उसके थ्रू मैं दे सकता हूँ, है बिल्कुल ना। तो यस तुमको अपग्रेड्स अवेलेबल है राइट पर वो एग्जैक्टली अपग्रेड जो है वो पैचेस के रूप में अवेलेबल रहेंगे, फुल अपडेट के रूप में अवेलेबल नहीं रहेंगे, मतलब राइट रिलीज नहीं है वो मैनुअल एक्चुअली पैच है काइंड ऑफ। आपको मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है उसके लिए डेवलपर साइट का। हाँ मतलब अपन कहना जैसे गिट में अगर मैं पैच अप्लाई करूंगा, राइट, राइट सर मास्टर से लेके पैच में ब्रांच पे लगा रहा हूँ, बिल्कुल है राइट ना, ऐसा ही कर रहे हैं अपन, है ना। बहुत बढ़िया। तो अब है ना मुझे थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आ गई है, ठीक है। बस अब है ना तुम एक काम करना और इसी में अपन फर्दर ये करेंगे कि यार अब मेरे जो मेरी ब्रांच है जिसको मैं नॉट नेकेड बोल रहा हूँ उसके अंदर मेरा लोकलाइज कंटेंट कैसे रहेगा, इस पे मैं थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे लोकलाइज कंटेंट रखूंगा, इसकी बिल्कुल बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, इसको मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। जो अभी थोड़ी देर पहले दीपक ने बताया था, फिर तुमने कुछ बोला उसका, मैंने बहुत सारा कुछ बोल दिया, अब मैं उसका कंक्लूजन चाह रहा था।
सर ये मेरे हिसाब से ना चाहिए जो अपनी टेम्पलेट बनी है ना उसके बेसिस पे अपन जो एक या दो लोकेल के हिसाब से जो टेम्पलेट में अपने को लोकलाइज कंटेंट रखना है जेसन फाइल या जेसीआर वॉट एवर जिस पैटर्न में वो अपनी टेम्पलेट के साथ रहना चाहिए। जब अपन उस टेम्पलेट को साइट में डिप्लॉय करेंगे तो वो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर उठ के एज अ साइट पे डिप्लॉय होगा, फिर यूजर जैसे साइट में चेंज करते जाएगा तो वो उसका जो कंटेंट है वो उसके हिसाब से अपडेट होते जाएगा। फिर अपने पास एक ऑप्शन रहना चाहिए जो वही अपन बात करें कि भी आपके इंग्लिश का जो कंटेंट है डिफॉल्ट लोकल का उसको आप एक्सपोर्ट करके देती है और उसके रिस्पेक्ट में जितने भी आपको लोकलाइज कंटेंट बनाने हैं जो भी उसका स्ट्रक्चर है इधर जेसन इधर जेसीआर और सीएसवी वो बना के आप वापस से इम्पोर्ट करो ताकि आपकी साइट उसको यूज कर सके। तुमने शुरुआत में बोला ना वो पार्ट मेरी समझ नहीं आया, मतलब सर जिसमें ऐसा है कि बोले कि जैसे टेम्पलेट में कुछ करेंगे अपन, हाँ ऐसा कुछ बात है? मतलब सर ऐसा ना कि मैंने एक वेबसाइट नॉट नेकेड टेम्पलेट बनी है मेरी जिसपे मेरा लेआउट पूरा डिफाइंड है कि मैं एन नंबर ऑफ पेजेस बने हैं और वो किस तरीके से रेंडर होते हैं और उनपे सर्टेन डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है सबका, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि अपने को टेम्पलेट में ही लैंग्वेजेस के अंदर IAT नाम से इंग्लिश और एक्स लैंग्वेज लोकेल के जेसन फाइल में उसका ट्रांसफॉर्म बना के ही रख देना चाहिए जो टेम्पलेट में ही है, ताकि जब मैं टेम्पलेट को डिफॉल्ट वेबसाइट अप एंड रनिंग करूं तो मेरे पास अवेलेबल हो कि भैया मेरे पास ये दो दो डिफॉल्ट लोकेल में इसका ट्रांसफॉर्म जो भी अपना लोकेल का डेटा है वो अवेलेबल है। तो जब वो टेम्पलेट उठ के पेरेग्रीन डिप्लॉय करेगा उसको वेबसाइट बनाएगा तो उसके अंदर की जो दो लोकेल फाइल है वो भी उस वेबसाइट के साथ जहां डिप्लॉय होती है JCR में वो डिप्लॉय हो जाएगी और जब मैं अप एंड रनिंग करके वो दो लोकेल स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे उनके हिसाब से डेटा मिल जाएगा। यह है जो अपना आउट ऑफ द बॉक्स है कि भैया जो थीम थी उसको मैंने जो वेबसाइट बनाया आप चला रहा हूं तो मुझे दो लोकेल में वो चल रही है। अब यूजर उस वेबसाइट को एडिट करेगा। ये क्लियर है सर कि जो मैं बोला था कि टेम्पलेट में अपन ने हाँ, तो मेरे पास लोकेल फाइल क्वेश्चन है रखी है। इसमें। हाँ, इसमें मेरे पास क्वेश्चन है क्योंकि जब मैं ना टेम्पलेट बना रहा हूँ तब मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं जिस क्लाइंट के लिए डिप्लॉय करूंगा वो कितने लोकेल्स में साइट बनाएगा। यस सर। अब अगर मैं टेम्पलेट में बोलता हूँ कि मैंने दो लैंग्वेज के लिए टेम्पलेट बनाया हुआ है तो क्या ये मुझे कंट्रोल कर देगा कि मेरी वेबसाइट जो इस टेम्पलेट से बनेगी वो वेबसाइट सिर्फ दो ही लैंग्वेज में हो सकती है? नहीं सर, ये सिर्फ डिफॉल्ट ये है कि आपने जब क्लोन किया तो वो बता दिया कि यार आपके पास लोकलाइजेशन का फीचर है, डिफॉल्ट टेम्पलेट ये दो लोकेल की बनी है, अब आपको जितनी बनाना है उसका जो पैटर्न है उस हिसाब से आप बनाना। समझ गया। तो तुम बोल रहे हो कि यार मैं बाय डिफॉल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। तुमको जो एक वेबसाइट बना के दूंगा ना उसमें एक अल्टरनेटिव लैंग्वेज इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें मालूम रहे कि तुम लोकलाइज कर सकते हो, है यस सर। ना। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लो मैंने लोकलाइज कंटेंट नहीं क्रिएट करा तो उससे मेरा सिस्टम ब्रेक तो नहीं हो जाएगा ना, नहीं होगा सर। मैं है ना? अभी जो बीच एक मिनट समय वही क्लियर कर देता हूँ, अभी जो मैं बीच में बोला था मैं वही बोला था, यहाँ पे अपन ने UI लेवल की को स्ट्रिंग जो अपन टेक्स्ट देते हैं उसी को अपन की बोल रहे हैं जो L10 फॉर्मेट कहलाता है। L10 फॉर्मेट वही है कि आपने जो सेंटेंस लिखा ना वही आपकी की है, उस की के रिस्पेक्ट में आप एन नंबर ऑफ बना लो, जब आप रेंडर करने जाओगे तो उस की के रिस्पेक्ट में यदि वैल्यू मिल जाती है तो उस लोकेल की रेंडर कर देगा, नहीं तो वो उस की को एज इट इज रेंडर कर देगा। तो यहाँ पे अपन ने की में सक्सेस मैसेज में दिस इज सक्सेस मैसेज नहीं लिखा है, दिस इज सक्सेस मैसेज ही अपनी पूरी की है। तो और ये समझ स्वप्निल ने POC करके वेरीफाई भी कर लिया है, हमने देख लिया है कि यदि आपने उस की देते हैं और उसका कोई लोकलाइज वर्जन नहीं मिलता है आपके जो रिक्वेस्ट किया है तो वो उस की को ही एज इट इज वो आउट कर देता है जो रिसोर्स गया। बंडल क्लास है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया है, मस्त है ना। तो अब अपन है ना इस पे भी क्लियर हो गए कि मेरा जो टेम्पलेट होगा उसमें मैं एक एडिशनल लैंग्वेज डालूंगा, है ना। अपन क्या करेंगे, अपने केस में इंग्लिश मेरी प्राइमरी लैंग्वेज बना लेंगे, अल्टरनेट लैंग्वेज में अपन इटालियन बना लेंगे, ठीक है, अपने बेस में, है ना, इवन अपने डेमो में भी। अब होगा ये कि क्योंकि मेरे पास इटालियन में मेरे साइट को ट्रांसलेट नहीं करूंगा तो सिर्फ इंग्लिश का कंटेंट होगा और इटालियन का नहीं होगा, तो जैसे दीपक ने अभी बोला तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अगर इटालियन नहीं है तो इंग्लिश दिखेगा, तो एनी वे डिफॉल्ट इंग्लिश दिखेगा, कोई इटालियन लोकल रिक्वेस्ट कर भी लेगा तो विच इज फाइन है, अपन खुश हो उसमें, अब लोगों को परेशानी नहीं है ना। बहुत बढ़िया, तो ये क्लियर हो गया मुझे और इससे मेरा ये हो गया कि एक सैंपल जब मेरा नया वेबसाइट बनेगा तो उसमें एटलीस्ट कुछ पीस होगा जिसके बेसिस पे जो ले रहा है उसको मालूम चलेगा कि हाँ यार यहाँ इंटरनेशनलाइजेशन होता है और इस तरीके से होता है ना। आप मुझे ये बताओ कि कल को मुझे एक बार मैंने नॉट नेकेट बना लिया जिसमें मैंने इंग्लिश है और अल्टरनेट में मेरे पास इटालियन है, कल को मेरा क्लाइंट आता है मुझे बोलता है मुझे फ्रेंच चाहिए,
तो मुझे मेरे नॉट नेकेड में जो बन चुका है उसमें मुझे फ्रेंच ऐड करनी है, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? सर इसमें ऐसा है कि पीछे कोड लेवल पे जाएं तो अपने को एक जो वो फ्रेंच लोकेल के स्पेसिफिक जो जेसन फाइल बनानी है उस बना के अपन उस ए फोल्डर के अंदर रख देंगे तो अप एंड रनिंग हो जाएगी। अब अच्छा उसको बना के यूआई से बनाएंगे या अपन मैनुअली बना के डालेंगे वो कैसे करेंगे वो अपना एक अलग काम है, और उसको उस फोल्डर तक मैनुअली रखेंगे या यूआई से अपलोड का ऑप्शन देंगे जो अपन फिगर आउट करेंगे जिसके लिए मेनली ये कॉल है, बिल्कुल, तो वो अपन जैसे भी करेंगे तो वो हर सबने तो वो बता पाओगे कि स्ट्रक्चर एक बार स्क्रीन शेयर कर दो तो अच्छा सर को विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। राइट सर, मेरे इसमें सर वो मेमोरी का कुछ इश्यू आ रहा है, तो हाँ यहाँ रुको पर एक 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 मिनट में ये मेरी स्क्रीन शेयर कर देता मतलब हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर इसमें कर देता हूँ। हमने मिशा आपका क्वेश्चन बन गया सर, जैसे कोई नया क्लाइंट आएगा ना अपने पास तो सबनील एक मिनट ये देख लेते हैं अपन, है ना। अनिल सर, सर आपकी स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर जैसे इन्होंने सिंपल बताया कि जैसे लिब लैंग्वेज के अंदर इन्होंने एक इंग्लिश डॉट जेसन रखी है, मतलब ये फाइल के नाम से कोई लेना देना नहीं है सर, ये तो जस्ट रीडेबिलिटी के लिए है। इसके अंदर ये दिया है जेसीआर लैंग्वेज इक्वल टू ईएन, हाँ ये बताता है कि ये मेरे ईएन लोकेल के लिए यहाँ पे मैं जो भी कंटेंट दूंगा वो वैल्यू ये ईएन लोकेल के लिए है। हाँ ऐसी ही मैं अब जाऊंगा तो ये मेरी डच डॉट जेसन है जिसके अंदर भी हाँ मैं ये जो लैंग्वेज ईएन है ऐसी ही यहाँ लैंग्वेज डिफाइंड है और उसके अंदर मेरे कंटेंट है, तो कल को मुझे यहाँ पे इटेलियन डॉट जेसन बनाना है तो मैं इटेलियन डॉट जेसन बनाऊंगा और मेरी जितनी की है उन सबको जो लैंग्वेज है वो आईटी स्पेसिफिक बना दूंगा तो मेरी इटेलियन के लिए हो जाएगी। तो ऐसी में एन हाँ नंबर ऑफ 50, 100 एन नंबर ऑफ फाइल्स को एड कर सकता हूँ, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, बस ये जो JCR लैंग्वेज इक्वल टू DE लिखा हुआ है या EL लिखा हुआ है ये बताता है कि ये जो भी मैसेज एंट्री है वो इस लोकेल के लिए है। बढ़िया। तो तुमने ये कहा मुझे कि यार मुझे कल को नया लोकलाइजेशन डालना, तो मुझे रिसोर्स बंडल बनाना है उसकी लोकेल का, और रिसोर्स बंडल को एक सर्टेन जगह पे रखना है मुझे, है ना। और एक बार वो लैंग्वेजेस वाले प्लेस में मैंने रख दिया, और वो फिर अवेलेबल हो उसको जाएगा। डेटा लोड करने का कोई प्रोसेस होगा, उसको मैंने डेटा प्रोसेस के थ्रू डेटा को लोड कर दिया। हाँ वो डेटा लोड कर दिया मैंने, मतलब रिपोजिटरी में वो डेटा चला गया, JCR जैक रेबिट रिपोजिटरी में। तो अब मेरा जो लोकलाइजेशन में, अगर मेरी लोकेल जो है HTTP जो प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसमें अगर मैंने लोकेल बोल दिया मुझे जर्मन चाहिए या फ्रेंच चाहिए, तो मेरे रिसोर्स बंडल में से डेटा आने लग जाएगा उस वाले, राइट राइट। सर, एग्री सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उस केस में अपने को वेबसाइट लेवल पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, जितने भी लोकेल है उस लोकेल स्पेसिफिक डेटा बना के अपने को JCR के सर्टेन लोकेशन पे रखना है। अब वो डेटा रखने के बाद में वो रिफ्रेश कैसे होगा उसकी जो भी प्रोसेस होगी वो अपन फिगर आउट कर लेंगे, तो जैसे कमांड होगी रीस्टार्ट होगा या वेब टूल से रिफ्रेश काइंड ऑफ होगा वो कर देंगे तो ऑटोमेटिकली अपने लिए अवेलेबल जाएगा, तो अपने को साइट लेवल पे कुछ भी चेंज नहीं करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें सर एक जो चीज जो अपन करेंगे कि क्या होता है कि अल्टीमेटली प्रोसेस अपन को ऐसे डिफाइन करना चाह रहे हैं कि अपन होम पेज पे गए और अब वहां पर है ना एक ऊपर ड्रॉप डाउन है जहाँ पे लिस्टिंग होते हैं आपके सारे लोकल, आप इंग्लिश में, आप इटालियन में, आप फ्रेंच में कर सकते हो, और फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश और इटालियन में था करो क्लाइंट तुम अप्लाई सबने एडिटर की बात कर रहे हो या यूआई फ्रंट स्टोर फ्रंट की? नहीं, मैं एडिटर की बात कर रहा हूँ CMS साइट पे। तो अब मतलब अगर मेरा क्लाइंट था उसको अपन ने इंग्लिश और इटैलिक दे दिया, उसने बोला कि यार मुझे फ्रेंच भी करना है, तो अपन क्या करेंगे उसको किसी भी साइट को लोकलाइज करने की प्रोसेस अपन ऐसे को सोच रहे हैं कि आप जाते हो एडिटर पे और होम पेज पे जैसे आप गए तो वहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो और उसको एक्सपोर्ट कर लेते हो, तो जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करते हो उसका एक्सपोर्टेड वर्जन लोकलाइज वर्जन जेसन फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाता है, तो फिर आप उसको चेंज करके फिर से इम्पोर्ट करते हो। तो अब यहाँ पर वो जो ड्रॉप डाउन में जो लैंग्वेजेस आ रही है, इंग्लिश आ रही है, फ्रेंच आ रही है, जर्मन आ रही है, तो वो अपन फिगर आउट कर लेंगे कि अपन उसको कहाँ मैनेज करना चाहते हैं, वहाँ पे जहाँ पर भी अपन रखना चाहते हैं कि वो लिस्टिंग कहाँ से आ रही है, अल्टीमेटली वो लिस्टिंग भी अपन कहीं डेटाबेस में रख सकते हैं या फिर सोच सकते हैं उसको कहाँ रखना है, और उसके आधार पर फिर क्या हुआ कि अल्टीमेटली आप फाइनली लोकलाइजेशन के लिए अचीव करने के लिए एक ही सिंपल चीज़ लगती है कि आपको रिसोर्स बनाना है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल वो इंग्लिश डॉट जेसन फाइल थी, वैसे फ्रेंच डॉट जेसन है और जर्मन डॉट जेसन है, ये अल्टीमेटली अगर अपन जेसन के रास्ते के थ्रू चलते हैं फाइल के रास्ते तो वो अपने को क्रिएट करना है, तो वो अपन जैसे ही क्रिएट कर लेंगे तो बाकी तो लोकलाइजेशन अपने आप ही चलने लगेगा। बढ़िया दीपक, तुम्हारी स्क्रीन शेयर चल रही है अभी भी तो, हाँ सर, देखो सर है इसमें ना एक ना। चीज है ना, सॉरी सर, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। देखो सर इसमें ये वाली जो चीज है ना कि मेरी टेम्पलेट के अंदर मैंने लोकलाइज फाइल रखी हुई है, वहां से मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई, तो ये जो मेरी लोकलाइजेशन की फाइल है वो इधर कॉपी ओवर होती है कि नहीं है वो बस अपन एक बार चेक कर लेंगे, मेक चेक श्योर कर कि लेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, वो आइडियली होना चाहिए क्योंकि वो रिसोर्स जिस हिसाब से चलता है तो वो पूरा की पूरा एज इट इज जाना चाहिए थ्योरेटिकली, है ना, सही, चेक कर लेंगे, एग्री, तो ये चेक कर लेते हैं अपन। अच्छा दूसरा है ना, अब जो तुमने अगला काम जो है उस पर थोड़ी बात करी, राइट। सो अपने तुम्हारा कहना है कि अपने को रिसोर्स बंडल कैसे यूजर है ना को उसको टेम्पलेट रिसोर्स बंडल कैसे मिलेगा जिससे जिसको लेके वो उसमें काम चालू करेगा, और फिर जब बना लिया उसने एक फाइल बना ली जैसे फाइल, तो उसको अपलोड कैसे करेगा, आई थिंक है ना अपन एक काम करते हैं इसको स्टेजेस में लेते हैं। स्वप्निल स्टेप वन में अपन ऐसे लेते हैं कि है ना क्या मेरे पास में जैसे ऑफिस में अपन करते हैं ना रिसोर्स बंडल की एक फाइल बनती है, यूजर उस फाइल को लेके और है ना बनाता है, कहां बना रहा है मुझे नहीं मालूम है, वो फाइल है ना वो एक सिस एडमिन को देता है, सिस एडमिन उठाता है उस फाइल को कॉपी करता है एक सर्टेन लोकेशन पे और वहां डाल के और उसको अपलोड स्टार्ट करता है या जो भी दो तीन कमांड उसको जो भी चलाने वो चलाता है, जिसके बाद में वेबसाइट पे वो ना लोकल कंटेंट अवेलेबल हो जाता है। पहले अपन है ना इस चीज को अच्छे से रॉक सॉलिड तरीके से फिगर आउट करके प्रोडक्शन तक लेके जाएंगे, जिससे कि ना हम ये क्लियर हो जाए कि मैं कोर पे ये फीचर कर पाता हूँ, बहुत सॉलिड तरीके से कर पाता हूँ। उसके बाद स्टेप टू में अपन सोचेंगे कि यार इसको मेरे को यूजर के लिए कैसे एक्सपीरियंस आसान करना है, राइट सर, ठीक है, ताकि ना हम यूजर एक्सपीरियंस के चक्कर में ना हमारा कोर जो फंडामेंटल थिंग है कि मैं इंटरनेशनलाइजेशन कर पा रहा हूँ वो मेरा मिसलीडिंग है, क्योंकि अपने पास काम बहुत लंबा है, बहुत सारा काम है अपने पास और अपने पास टाइम की कमी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार अपन ये आ सकते, क्योंकि ना वो फाइल जो है ना वो जेसन फॉर्मेट है, प्लेन टेक्स्ट फाइल है, और आई एम श्योर दुनिया में 50 तरीके हैं उस चीज को एडिट करने के और बनाने के, अपन कुछ फिगर आउट कर सकते हैं ताकि ये बोले कि यार अभी तो ये करो, 6 महीने में हम तुमको एक अच्छा एडिटर बना के देते हैं। ओके ओके, तो मैं ना आपकी जो स्टेटमेंट का समझाऊं और जो अपना क्लाम है मैं रिफ्रेश कर देता हूं, क्या होता है कि अभी अपन सब कुछ ऑटोमेट करने का सोच रहे थे कि यार आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, एडिट कर पाओगे, फिर इंपोर्ट कर पाओगे, हां, तो मैं समझाऊं आपको कि यार ये क्लाइंट को ये लो भैया, क्लाइंट पर आपको एक जेसन फाइल मेल करिए, इसको डाउनलोड कर लो, एडिट कर लो लोकलाइजेशन के हिसाब से और मुझे दे दो, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, तुम्हारी साइट लोकलाइजेशन में चलने लगी, ये सही रिक्वायरमेंट है? हां हां यस यही, हां। अब इसमें दो चीजें, एक जो चीज आपने बोला ना कि यार कि मैं सिस्टम एडमिन टीम को बोलूं कि यार कुछ कमांड चला दे, दूसरा एक अच्छा तरीका जैसे ओएमबीज में अपन वेब टूल्स में जाके करते हैं ना कुछ, हाँ। तो तरीका यहाँ पे ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है क्योंकि जब अपन कमांड्स के थ्रू चलाते हैं ना तो क्या होता है कि आपकी जो कंटेंट रिपोजिटरी सिस्टम है वो जैक रैबिट है, उसको आपको फाइल सिस्टम में लाने के लिए एक तरीका रहता है वॉल्ट, जिससे फाइल सिस्टम में आ जाता है, फिर आप फाइल सिस्टम में चेंज करते हो फिर उसको इधर पुश करते हो, तो वो जो चीज है ना वो उसके लिए जैक रैबिट के वॉल्ट प्रोजेक्ट को यूज करना पड़ता है और ये कर देता है। अपन ने जब पहले लोकलाइजेशन करने गए तो इसको यूज किया था कि जब मैं एक्सपोर्ट के अराउंड देख रहा था, अगर आप मुझे बोलो कि यार सपने लिए काम करता हूँ मैं फाइन हूँ अगर सिस्टम एडमिन टीम की जगह या फिर सिस्टम एडमिन टीम को ये वेब टूल्स पे दो चार जगह बटन क्लिक करना है जिससे काम हो रहा है तो अपने लिए लाइफ मच मोर इजियर हो जाएगी, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो डायरेक्टली अवेलेबल है कि अपने, मैं तो आलसी आदमी हूँ भैया, मेरे को काम नहीं करना, बिल्कुल, तो कम से कम काम में जो होता है ना वो करना है अपनों को, बस अपने लिए अवेलेबल है वहां से तो वो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन यूज कर लेंगे तो वो बेटर है, तो मैं बस इतना देख लेता हूँ कि जैसे आपको नई फाइल बनाना वो तो बहुत ही आसान है वो, क्योंकि अल्टीमेटली पीछे जो उन्होंने बना के रखा है वो बहुत अच्छा एडिटर है, आपको एक जगह जाके नोट बनाना है वो नोट फाइल होनी चाहिए और फिर आप उस फाइल जाके एडिट कर सकते हो, वो सब है, बस मैं इसको ये देख लेता हूँ कि अपन उसको जेसन फाइल कैसे देंगे, अगर जेसन फाइल डायरेक्ट एज इट इज उसका डाउनलोड अवेलेबल हो तो वहां से दे देंगे, नहीं तो फिर अपने को मालूम है सब कंटेंट अवेलेबल है उसको कॉपी करेंगे और एक जेसन फाइल बनाकर पेस्ट करके दे देंगे, बिल्कुल। सबिल तुमने जस्ट एक और वो था इसमें देखा गया, मैंने जब देखा था वो था एक एक्सपोर्टर करके भी स्लिंग में मॉड्यूल है, हाँ। जो क्या करता है कि आपके जेसीआर कंटेंट को एक्सपोर्ट करने के काम आता है और वो एक्सएलएस में आपको एक्सपोर्ट करके दे देता है, ये इतना देखा था, पीओसी नहीं की थी मैंने, तो यदि तुम उसी डायरेक्शन में बात कर रहे हो तो अपने लिए वेल एंड गुड है कि स्लिंग खुद एक्सपोर्टर प्रोवाइड करता है, यदि अपन उसको यूज कर सके तो अपने लिए वो वेल एंड गुड है कि आपने एक्सपोर्ट कर दिया वो ऑटोमेटिकली आपको सीएसवी भी दे देगा तो अपने लिए फाइन है, जेसन भी दे देगा तो अपने लिए फाइन है, तो एक्सपोर्टर मॉड्यूल है उसको एक बार देख लेना कि वो कैसे काम करता है, बिल्कुल सर उसको भी मैं एक बार देख लूंगा, बाकी प्रिटी मच अगर अपन ये ना ये जो अपन बात कर रहे हैं इससे क्या हुआ कि मेन अपने को यही कोर चीज फिगर आउट करनी थी, मतलब ये पीछे वाली साइड पे हो जाता है, अब जो आगे अपन सिर्फ यूआई लेयर और प्रोसेस को सिंपल बना रहे हैं, तो ये वाली चीज है ना ये प्रिटी मच डन है,
मतलब जो मैं समझ पा रहा था बस, जो आज अपन ने इतनी बात करी कि वो टेम्पलेट से वेबसाइट पे कॉपी हो गई थी कि नहीं उसको देख लेना, और बेसिकली जेसन को एक्सपोर्ट करके वो कर लेना। तो बिल्कुल मैं इस पे और प्रोग्रेस कर लेता हूँ और फिर अपन इस पे और देख सकते हैं यार ये ऐसा चल रहा है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा अपन प्रोसेस सोच रहे हैं। तो यस बढ़िया। तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक आध दिन और मिलेगा, तो तुम ये जो अपने जितने अभी क्वेश्चन है अपने पास में, वो सारों के जवाब भी तुम ले आओगे, राइट? और उसके बाद अपन काइंड ऑफ मच बेटर पोजीशन में आ जाएंगे कि, है ना, हम सीएमएस के ऊपर अपने दूसरे डेवलपर्स के लिए काम के बारे में सोचना, ताकि उनके पास में क्लियर डायरेक्शन हो और, है ना, अपने को मालूम हो कि हम क्या एक्सपेक्ट करें और कितनी जल्दी हम इसको प्रोडक्शन में ले जा सकते हैं, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अपन ने जो किया है इसको लेके, है ना? तो क्या हमारे पास में कोई भी और क्वेश्चन बचता है क्या आंसर करने को, एज फार एज हम जो ये काम पे बात कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग पे अपन अगली अगला एक और कर लेते हैं। यहाँ पे अभी अपन सिर्फ अपने काम के टेक्निकलिटीज पे बात कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से सर अपन क्लियर ही हैं। जितने अपने जो पैटर्न्स अपन यूज कर रहे थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। जो अपन L10 फॉर्मेट यूज कर रहे हैं कि जो अपनी टेक्स्ट मैसेज है उसी को अपन की बोल रहे हैं, और इसमें अपन फाइन है कि किसी ने उसमें से कॉमा हटाया तो उसको फिर वो वापिस से वो चेंज करना पड़ेगा हर लोकेल में, क्यों? क्योंकि वो ही की है आपकी पूरी, है हाँ ना? तो अपन वो जो L10 फॉर्मेट, वो L10 और I18, मतलब दोनों की डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे समझ आएगी तो फिर मैं सबको सिखा दूंगा, है ना? तो वो दो हाँ इंटरनेशनलाइजेशन फॉर्मेट है, तो अपन L10 वाले पैटर्न को यूज कर रहे हैं, तो वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। रिसोर्स बंडल यूज कर रहे हैं वो डिस्कस कर लिया है, और जेसन फाइल कैसे उसमें लोकलाइज काम करता है इसको डिस्कस कर लिया। तो अपन मेरे ख्याल से अभी गुड शेप में है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है इस कंटेक्स्ट में। बहुत बढ़िया, गुड़िया स्वप्निल, थैंक यू वेरी मच है, बहुत मस्त रहा ये कॉन्वर्सेशन। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अपन अपने इस सेशन की रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर सकते हैं। राइट सर।